हो गया। चलिए पहला नंबर बाबू अंतःश्रवी ग्रंथि में टोटल कई प्रकार था, छह गो, कई गो था, पहला नंबर था पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, नहीं जी पीट्यूटरी ग्रंथि था, दूसरा नंबर था थायराइड ग्रंथि, तीसरा नंबर था पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा नंबर था एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा नंबर था लैंगर हैंस की दीपिकाएं, और छठा नंबर था जनन ग्रंथि। छठा कौन था? पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीपिका है, छठा जनन ग्रंथि। पहला पढ़ ले हम लोग, पहला कौन है जी? पहला कौन है? पहला कौन है? इन्हें की बोलते रहे और रिकॉर्डिंग हो गए तो अच्छी बात नहीं ना है, नहीं इधर हम पूरा एनर्जी लगा रहे हैं और रिकॉर्ड वीडियो हो ये नहीं रहा तो सही बात नहीं ना जी। अच्छा कोई बात नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, सही बात है। अच्छा लड़की बताइए, दो दिन पर आपका तबीयत खराब होता है, हम परसुए बोल रहे थे ना, नमा लीजिए, याद है आप लोग के? और बोले थे कि नहीं? नहीं लिए थे नमा, सोचे थे का बात? नहीं झूठे बोल दल को ना, हाँ सोचा लिए। एक बार हमार रूपरेखा याद कर लीजिएगा, डंटा ले ले एकदम, नहीं तो ऐसू डर के बुखरवा भाग जाएगा, नहीं कि बाप रे बाप, कि तो हम मतलब हमार नाम याद ले लीजिए एकदम, याद के एकदम खतरनाक प्राणी है नाम सड़क, बुखरबो डर से एकदम एक दो तीन नहीं भाग जाएगा पूरा। तो जिसको देखिए बुखार उखार लगता है नहीं, एक बार हमारा एकदम चेहरा याद कर लीजिए कस के एकदम, डंटा उंटा लेके खड़ा आखिर एकदम, नहीं तुरंत बुखार खत्म। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, पहला नंबर, पहला पॉइंट पढ़ के सुनाइए आप, पढ़िए पढ़िए। अरे यार तेरा ध्यान किधर है, रोबत इधर नहीं जी है। यहाँ देखिए पीयूष ग्रंथि में बहुत से हार्मोन बनते हैं, पीयूष ग्रंथि में जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि है लेकिन एकरा में ढेर सारा हार्मोन बनेगा, अब ढेर सारा हार्मोन बनेगा इसलिए इसको कौन ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आगे आएगा, क्या आएगा आगे आएगा। पीयूष ग्रंथि में बहुत सारा हार्मोन बनते हैं जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को, बहुत सारा जो क्रिया होता है, बहुत सारा जो शरीर में क्या होता है उसको क्या करता है, नियंत्रण नियंत्रण करता है। या ग्रंथि कपाल की, याद रखिएगा या ग्रंथि कहाँ, कपाल की, स्फेनॉइड हड्डी में रहता है। अरे बाप रे बाप, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कपाल के कौन सा हड्डी में रहता है, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड हड्डी, स्फेनॉइड हड्डी एक गड्ढे में, बाप रे बाप, एगो क्या चीज में गड्ढा, दिमागवा में कपाल में भी एगो गड्ढा मतलब छोटा मोटा होगा, उसमें क्या रहता है, रहती है, रहती है मतलब स्थित रहती है ना, जो हाइपोथैलम से जुड़ी हुई होती है, किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, या ग्रंथि माने कौन ग्रंथि, या ग्रंथि कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थिर रहती है जो हाइपोथैलम से, जो हाइपोथैलम से जुड़ी होती है, सही की गलत, एक बार एकदम अपना जीविया से एकदम बोल दीजिए तो अच्छा से बोलिए, आज जन्माष्टमी है क्या जी, आज जन्माष्टमी है तो हम जन्माष्टमी हमेशा करते हैं ना, शिवरात्रि हो गया और क्या कहते हैं उसको जो सबनमम हुआ था सोमवार के, हाँ सोमवारी हो गया, ये सब सब लगभग हम कर ही लेते हैं समझे, आज कृष्ण जी के जरिए मना लीजिए, किस किनको मना लेंगे, तईबला पॉइंट पढ़ लिया आप लोग बाबू, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग के लिए भी, आप लोग के कि अच्छा से पढ़िए, कृष्ण भगवान से मतलब मना लेंगे, बासरी उसरी जरिए बजा दीजिएगा एक बार, गोपियाँ उपियाँ थोड़ा थिरक जाएंगे एकदम, नहीं गोपियाँ उपियाँ थिरकेंगे ना, किरण जी बासरी बजाते थे तो नहीं जी। यहाँ देखिए भैया नोट पढ़ के सुनाइए एक बार, पढ़िए जरिए, अरे बाप रे बाप, यही बोला था हम तो पहली बोल दिलिए, ए ए ए पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य हार्मोन
महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी क्या करती है नियंत्रण। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है। तो इसे क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि। क्या कहेंगे? हम लोग को मास्टर क्यों बोलता है? क्योंकि हम लोग ढेर सारा गाय भैंस चराते रहते हैं, बकरा, गधा, गधी, बकरी, घोड़ा, नहीं अच्छा, तो ढेर चराते रहते हैं। तो ढेर जो चरवेगा, ढेर को जो अथी कंट्रोल नियंत्रण करेगा, जैसे ढेर के हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें ढेर तरह के मोट दिमाग, भैंस दिमाग, लंबा दिमाग, नहीं अच्छा, अलग अलग तरह के प्रकार के लड़का लड़कियाँ हैं कि नहीं इसमें, तो सबको हम कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, सबके नाम बैठे ले एक जगह है कि नहीं, तो हम मास्टर हैं। जहाँ सबके नियंत्रण करेंगे तो क्या है, मास्टर। और लड़की अगर सबके नियंत्रण करेंगे तो क्या, मास्टर नहीं अच्छा। तो एक बार इवला पढ़ के सुना दीजिए, जल्दी पढ़िए। हो गया? क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? सही बात है। आप पिट्यूटरी ग्रंथि को कई भाग में बांटा गया, और कई भाग में जी, पहला नंबर क्या है, एंटेरियर लोबियाग्र पिंडक। पहला नंबर कौन है, पहला नंबर कौन है, और दूसरा नंबर क्या है, आग्र पिंडक और पाश पिंडक। पहला कौन है, दूसरा कौन है, याद हुआ? अरे याद हुआ जी, पहला नंबर कौन है, आग्र पिंडक, और दूसरा नंबर। बारी बारी से सबको पढ़ें क्या? आज 7:15 बजे लाइव क्लास चलेगा, लाइव क्लास 30 गो 35 गो ऑब्जेक्टिव लाएंगे इसी का, जो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं हम लोग, धातु अधातु का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और एक बार पढ़ लीजिएगा तो सेट मारने में आपको आसानी होगा यूट्यूब पर। और कल से हो सकता है आपका, कल कई तारीख, 8 तारीख है, कई तारीख है, कल 8 तारीख ने, तो हम लोग सेट का जो तरीका करेंगे ने, इसी समय 20 मिनट में तो सेट मारिए लीजिएगा ना, 20 मिनट सेट मरवा देंगे, अलग टाइम में आपको लाइएगा, बर्बाद होगा टाइम, नहीं अच्छा, 15 से 20 मिनट में सेट मार लेंगे। और 45 मिनट 40 मिनट हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर 40 मिनट ही अच्छा से अगर पढ़ लें तो कितना पढ़ लेते हैं आप लोग, कहें पता, हम लोग गल बात नहीं, खाली एकदम पढ़ाए, क्या चीज पढ़ाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी समय, जिस समय आप आते हैं उसी समय 15-20 मिनट में सेट अच्छा से हम क्या करें, मरवाएं। और बाद में फिर टाइम ज़्यादा मिलेगा, अभी या तो 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा या तो 30 क्वेश्चन का ही रहेगा, 30 क्वेश्चन के, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा 30 से 40, फिर क्या 50। आज 7:15 बजे लाइव क्लास भी चलेगा। धातु अधातु पढ़िएगा कि वाला चैप्टर पढ़िएगा, जे बताइए, धातु अधातु बोला तो 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। एक बार रिविजन मार लीजिएगा, सब सेट मारे में आंसर सी दीजिएगा, डी दीजिएगा, नहीं अच्छा। तो कै बजे आएंगे हम लाइव, 7:15 बजे, कै बजे याद रहेगा ने? हाँ, तो 7:15 बजे तैयार रहिएगा बाबू। कै बजे जी? ये सब क्या, तो तुम अच्छा करवे नहीं किया है राहुल, एक बार में इतना इतना दे दिया है तुम, ये पूरा रहा है जो पूरा तुम दे दिया है यार। प्यूटररी ग्रंथि द्वारा सर्वित हारमोनिया, देखो आके पहले तुम यहाँ देखो, ये क्या किया है तुम, एक बार में पूरा आइए ना, राय पूरा क्या हो रहा है। चलिए, तो पूछता भी नहीं हमसे कि हाँ क्या करें नहीं करें यहाँ पे। देखिए बाबू, प्यूटररी ग्रंथि द्वारा सर्वित हारमोन और उनके कार्य, प्यूटररी ग्रंथि द्वारा सर्वित हार्मोन और उनके, तो पहला नंबर वृद्धि हार्मोन होता है। प्यूटररी ग्रंथि में सबसे पहला जो हार्मोन स्रवित होता है या बनता है वो कौन है, वृद्धि हार्मोन। इसीलिए बोले थे कि प्यूटररी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को देख लीजिए बाबू, पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब, एंटेरियर अथवा अग्र पिंडक द्वारा एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, द्वारा स्रवित एक हार्मोन कौन होता है, वृद्धि हार्मोन होता। अब सुनिए यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, उज्जे देखिए कि बताइए वृद्धि हार्मोन जो है स्रवित कहां होता है, तब पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब से, कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब से या पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंडक द्वारा, यही ना है जी। तो हम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि जंतु में वृद्धि हार्मोन या मानव में वृद्धि हार्मोन कहां स्रवित होता है, पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब या अग्र पिंडक द्वारा, सही की गलत, ये वाला पॉइंट एक बार अच्छा से पहले पढ़ के सुनाइए, पढ़िए। सुनिए, या शरीर की वृद्धि विशेषकर कौन, वृद्धि हार्मोन कौन जी,
वृद्धि हार्मोन जो है भाई, ये लड़का देखो पीछे वाला एकदम जैसे थे, अरे अच्छा जरी टाइट होकर बैठ नहीं, अच्छा छतिया निकाल के लड़का है तो अच्छा बैठो। हाँ यहाँ देखिए, या शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों को वृद्धि का क्या करता है, नियंत्रित करता है, वृद्धियों का क्या करता है, तो मतलब ई वाला हटे हमारा देरी लगता है, ई वाला हटा के वहाँ पर देखिए अब वो तो चल रहा है, आवाज में कोई दिक्कत था, फंसते रहता है देखो आ गया ना ना मैं वो आपके पास को यहाँ देखिए बेदी हाँ बच गया बाबा वहाँ का क्या, हमको नीचे उतरते देरी लगेगा, वीडियो बंदा ले अपना ना है और इवला इसे करते हमको देरी लगेगा, हो गया स्टार्ट फिर चलिए। वृद्धि या शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डी तथा मांसपेशियों के वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, सही बात है। हम माइक क्या लगाएं, लोग बिगड़ गए बताइए, हम नहीं एगो था कि हाँ एगो शाहरुख खान के किसका था कि हम सुधरे की लोग क्या था, हम सुधरे के लोग बिगड़ गया और है दुनिया बिगड़ गया, और यहाँ है कि हम माइक क्या लगाएं, सब विद्यार्थी बिगड़ गया नहीं बस। यहाँ देखिए, यह शरीर की वृद्धि विशेषकर किसको बढ़ाता है, हड्डी और मांसपेशियों को, किसको, वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो है वृद्धि हार्मोन है जो हड्डी और मांसपेशियों को नियंत्रित करेगा, इन्हें कि हाथ वाला हड्डी लंबा हो रहा है तो लंबा होते चल गया, पैर वाला हड्डी लंबा हो रहा है तो दम एकाध दुबास के हो जाएगा, सही के गलत, अरे सही गलत यार, अब मांसपेशियां मोटा हो रहा है तो एकदम इतना मोटा एकाध दुगो खोता है जो बॉडी उडी बनाता है, बॉडी बिल्डर रहता है ना, अच्छा होता है अलग बात है, लेकिन इन्हें कि हमारे बॉडी एकदम हो रहा है तो बाप रे बाप एकदम पेड़ा नियन मोटा हो जाए, एकदम तना नियन, ऐसे थोड़ी होगा। तो ये क्या करता है, या शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों के वृद्धि को क्या करता है, जितना होना चाहिए उतने तक उसको क्या करता है, रखता है। इन्हें कि ज्यादा मोटा दिया, ज्यादा क्या कर दिया, मोटा दी, सही के गलत, कितना लड़कियां लड़का पर देखिए, लड़कियां खास करके एकदम बाप रे बाप चलेंगे, लगता है कि गिर जाएंगे तो दबा जाइएगा नहीं, अच्छा यहाँ देख अगला पॉइंट पढ़ के सुनाए, क्या लिखा है, पढ़िए अगला पॉइंट, अरे भैया देखिए, इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव से अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया तो समझिए नहीं लंबा हो जाइएगा, क्या हो जाएगा, स्राव से मनुष्य की लंबाई औसत से बहुत अधिक बढ़ जाती है, जितना औसत होता है उससे अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हड्डियां भारी तथा मोटी हो जाती है, हड्डियां भारी तथा जिसे बृहदत्ता या जाइगेटिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइगेटिज्म कहते हैं, क्वेश्चन आता है जाइगेटिज्म या बृहदत्ता किसे कहते हैं, समझ में आया, तो जब मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाता है, जब मानव शरीर में या हम लोग के शरीर में वृद्धि हार्मोन आवश्यकता से ज्यादा स्रावित हो जाता है, तो हम लोग के मांसपेशियां और हड्डियां आवश्यकता मतलब सॉरी हम लोग का वृद्धि आवश्यकता से क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है, तथा ये हड्डियां और मांसपेशियां क्या हो जाता है, भारी तथा मोटी हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, बृहदत्ता या जाइगेटिज्म कहते हैं। एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए, खड़ा हो बैठ जाइए, क्वेश्चन पूछता है कि बृहदत्ता या जाइगेटिज्म क्या है, तो बता दीजिएगा, जब मानव शरीर में या हम लोग के शरीर में जब आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि हार्मोन बढ़ जाता है, आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है तो हम लोग का लंबाई आवश्यकता से या औसत से ज्यादा बढ़ जाता है, तथा शरीर के मांसपेशियां और हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है, बृहदत्ता या जाइगेटिज्म कहा जाता है, सही कि गलत। यदि वृद्धि हार्मोन का स्राव बचपन में ही बंद हो जाए, बाप रे बाप, पढ़ लीजिए हमारे कहानी वाला है ना, यदि वृद्धि हार्मोन का बचपन में क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो इससे वृद्धि क्या हो जाती है, हमारे बचपने में वृद्धि हार्मोन क्या हो गया, बंद हो गया निकालने, कि जाने कैसे बंद हो गए, देखिए सूत्र है यूट्यूब पर ला देंगे यहाँ पे कि देखिए खतरनाक लड़का सूत्र है, बताइए झुक रहा है, नहीं तो लड़की के बीच में बैठा देंगे यार, सब नींदिया टूट जाएगा तुरंत एक लाख वाला करेंट झटका लगेगा, नहीं अच्छा बताइए सूत रहा है, और जैसन बगलवा में है उड़ के उठाओ ना उसको यार,
यहाँ देखिए, या वृद्धि हार्मोन का स्राव बचपन में ही अगर बंद हो जाए, वृद्धि हार्मोन का स्राव बचपन में क्या हो जाए, तो इससे वृद्धि क्या हो जाती है, और आदमी थोड़ा बौना रह जाता है, लंबा ज्यादे नहीं होता है। नोट पहला नंबर पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, पढ़िए। सुनिए, पीयूष ग्रंथि के इंटीरियर लोब द्वारा स्रवित हार्मोन नर में शुक्राणु, देखिए नर में, लड़का में क्या होता है शुक्राणु, तथा मादा माने लड़की में अंडाणु, बनाने की क्रिया को भी क्या करता, बनने की क्रिया को भी, बनने बनाने नहीं, राहुल लिख दिया गलत, बनने की क्रिया को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। इन्हें की लड़का में पुरुष में हार्म आइए, नर आइए, क्या बोलते हैं उसको, शुक्राणु स्पर्म बन रहा है तो बन रहा है, एकदम एक लोटा दो लोटा बन रहा है तो बन रहा है, अवसा नहीं होगा, अवसा नहीं होगा, समझा या? नियंत्रित कर लेता है, जितना बनना चाहिए उतने बनेगा। और लड़की में भी जो अंडाणु है, ओभा, ओभम, क्या बोलते हैं, ओभा या ओभम, ठीक है, अंडाणु जो बनता है उसको भी क्या करता है, नियंत्रित। इन है कि एकदम ढेर बन रहा है तो बन रहा है, एकदम बन रहा है तो खचिया दू खचिया बन गया, ऐसा नहीं है, समझ आया? तो ये वाला पॉइंट पढ़ के सुनाइए, नोट पहला पढ़िए। अब आपसे वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, सुनिएगा कि कौन नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, कौन करता है, आप पीयूष इंटीरियर लोब के द्वारा, मतलब पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा कितना अच्छा चीज है, अग्रपिंडक इंटीरियर लोब द्वारा स्रवित एक अन्य हार्मोन, इसी के द्वारा एक अन्य और हार्मोन रहता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि में ढेर सारा हार्मोन बनता है, एक अन्य हार्मोन है जो मादा के स्तनों में, सॉरी मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, दुग्ध स्राव के लिए क्या करता है, ये वाला है जो किसमें रहेगा, मादा में, लड़की लोग में, महिला में, किसमें रहेगा, महिला में, और वो जब ये वाला स्रवित होगा अग्रपिंड इंटीरियर लोब द्वारा, अग्रपिंड के इंटीरियर लोब द्वारा एक अन हार्मोन रहता है, क्या रहता है, अन हार्मोन, जो महिला के मादा के स्तन में दूध के लिए क्या करता है, स्रवित करता है। तो ये कब संभव होता है, अभी जैसे ही सब लड़की हैं, ये सब लड़की, तभी इन लोग के स्तन में दुग्ध का स्राव नहीं हो सकता है, ये तभी होगा जब माता लोग हम लोग के क्या बनते हैं, गर्भधारण करते हैं, सही कि गलत, और जब क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लेते हैं उसी समय उससे पहले भी स्तन में दूध का स्राव नहीं होता है, नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान के कुदरत के करिश्मा बोलिए, ठीक है, जन्म जैसे लेगा तो धीरे धीरे स्तन में क्या आता है, दुग्ध का स्राव होता है, और दुग्ध का स्राव होता है तो फिर हम लोग बचपन में पहला जो भोजन करते हैं वहाँ का क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, सही कि गलत, अरे सही गलत यार, सही बात है ना, तो ये देखिए एक ये भी हार्मोने होता है, क्या होता है, अग्रपिंडक इंटीरियर लोब में एक हार्मोन होता है ना, हार्मोन जो मादा के स्तनों में दूध स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, और ये कब होता है, जब गर्भाधारण होता है और जब बच्चा जन्म हम लोग लेते हैं तब, सही कि गलत, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही दुग्ध मतलब स्तन में दूध का क्या होता है, स्राव होता है, ये वाला एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़िए इसको पढ़िए। चलिए हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए बाबू क्या है, कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसी हार्मोन है जो दुग्ध स्राव के उत्प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन ही है वो, देखिए कौन था, ऑक्सीटोसिन के कारण ही मादा के स्तन में जब बच्चा जन्म लेता है, जिस वक्त हम लोग जन्म लेते हैं तो माता जी के स्तन में क्या आता है, दूध आता है, और हम लोग एकदम पी के एकदम नहीं, एक आध साल तक, एकदम डेढ़ साल तक पीते हैं और गर्दा उड़ा के एकदम, और लास्ट में वृद्ध अवस्था में माता पिता को कौन स्थिति में हम लोग ले जाते हैं, ये सोचिए थोड़ा सा, नहीं एक साल डेढ़ साल तक हम लोग के माता अपना छाती से लगा के क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन लास्ट में वृद्ध अवस्था में हम लोग अपना पत्नी के चलते, बच्चा के चलते, उनको लास्ट में जो मन जो स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम लोग के दो साल तीन साल तक लैट्रिन कीजिए, बाथरूम कीजिए, पेशाब कीजिए, हर एक चीज को मतलब कि उखाते रहते हैं,
और आप लेटरिन कर देते हैं मम्मी के गोदी पे, वहीं पे कर देते हैं, फिर भी उनको दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब हम लोग बड़ा होते हैं और माता पिता जब वृद्ध होते हैं तो उन चलने में असमर्थ होते हैं जब माता पिता, और उस समय वो बेचारा लेटरिन पेशाब कर देते हैं तो उन लोग को कितना बच्चा, मतलब उसका माता बेटा बेटी जो रहता है सही से उनका सेवा सत्कार करता है, और बहुत सारा है जो कि जैसे तैसे कर देता है, उसी छोड़ देता है, गाली गलौज करता है, अपने नहीं करेगा पुतहू से करवाएगा जैसे तैसे। तो आप लोग भी यही चाहते हैं क्या? पढ़ लेना, सुन लीजिए बाबू, पढ़ लेना और बहुत पद और पैसा प्राप्त कर लेना, ये आपको यही सिर्फ आपको मतलब जीवन में अच्छाई का प्रतीक नहीं बताएगा। कम पैसा कमाए, बड़ा नौकरी हम नहीं कर पाए, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन माता पिता के सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं जैसे ये क्या क्या नाम था उनका जो अथी में घुमाने के लिए मम्मी पापा ले गए थे जी, आए श्रवण कुमार, हाँ कौन थे, श्रवण कुमार। तो उनका पत्नी एगो घड़ा बनाए थे, क्या बनाए थे, घड़ा, और घड़ा में क्या किए थे जानते हैं, कुम्हार से ऐसा बनवाए थे, देखिए वो घड़ा बनवाए थे और यहाँ मुँह था और यहाँ से दो डिवाइड अंदर करवा दिए थे, एक के तसला में दो तरह के खीर बनाते थे, इधर क्या करते थे कि दूध और चीनी और सब कुछ एकदम देता था, आ इधर वाला में नमक दे देता था, दे देती थी उनका पत्नी श्रवण कुमार की, ऐसा कहानी प्रचलित है, ठीक है, इधर इधर क्या दे देते थे, नमक, और इधर क्या चीज, तो दूधा तो उजले खीरिया तो उजले भी नहीं रहेगा जी, बल्कि नमक वाला रहे चाहे कौन वाला रहे, चीनी वाला रहे दूध वाला रहे, वो उसी रात। और श्रवण कुमार के माता पिता के सामने सबका थाली परसाता था, और उनका माता पिता तो अंधा थे, क्या थे, अंधा, तो श्रवण कुमार डेली खाता था बेचारा, और उनका माता पिता को लगता था कि हम तो मतलब आँखिया रहता तो उन्हें देखता उखता यार, श्रवण कुमार के माता पिता तो उनको लगता था कि घर में नमक का खाना बन रहा है और खीर बन रहा है तो हमको भी नमक का भोजन मिल रहा है, ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन ऐसा गुजरते रहा, एक दिन क्या हुआ कि श्रवण कुमार बोले कि अय माता जी आप मेरा खाना खाइए और हम आपका खाते हैं, माता पिता के बोला ऐसा कि आज थाली हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और अपना थाली दे दिए माता पिता के, और उसका थाली ले लिया, क्या खुद ले ली, जब ये खाए तो नमकीन लगा, क्या लगा, नमकीन, और उसका माता पिता जब खाया तो वो मीठा दम लगा, पहली बार उसका खीर खाया उतना दिन के बाद, बताइए 4 साल 5 साल 10 साल से ऐसा कहानी चल रहा था। तब उसका माता पिता बोलते हैं कि जुग जुग जिया श्रवण पुत आज खिलैला निर्मल खीर, निर्मल माने एकदम शुद्ध, एकदम सही जो खीर रहता है वो खिलाई, क्या बोले, जुग जुग जिया श्रवण पुत्र आज खिलैला निर्मल खीर, मतलब सही खीर। तब बोले कि मम्मी पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तब ई वाला खीरिया खाए, ई वाला खीरिया खाए, तो उनको दिमागे फट गया एकदम, अरे मतलब कि हमारा मीठा खीर था, इनका नमकीन, मतलब ऐसा कितना दिन से चल रहा है। तो मम्मी पापा से पूछे तब रोने बिलखने लगे, उसके बाद पत्नी से कुछ बात नहीं किए, कुछ नहीं, उसी समय एकदम अथी कर लिए कि पत्नी का अपना त्याग कर दी, और माता पिता के लिए वो बहंगी बनाए, और एक तरफ हम माता पिता को बैठाए और पूरा तीर्थ यात्रा कराना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। पुत्र का अगर गिनती होता है तो श्रवण कुमार के जैसा कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, सही कि गलत, और सही गलत यार, तो कम से कम आप लोग लास्ट स्थिति में माता पिता को गड़बड़ी नहीं, तो इस ज्ञान का, इस पढ़ाई का, इस पैसा का कोई महत्व नहीं रहेगा। कम से कम लास्ट स्थिति में माता पिता को सही से सेवा सत्कार करना। आज का सेवा यहीं तक रखते हैं, एक बार ताली मारिए आप लोग, चलिए लेट भी हो रहा है, ठीक है बाबू, तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग शाम में।